वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे यूज ऑफ सम एंड एनी। इन दोनों का मतलब ये होता है कुछ के लिए यूज होता है, कुछ के लिए, कुछ चीज के लिए। आपको पता है सम का प्रयोग जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, इसका काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल, मतलब काउंटेबल में भी यूज किया जाता है इसका और अनकाउंटेबल में भी यूज किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी सम का प्रयोग रिक्वेस्ट या कमांड्स के रूप में किया जाता है, लेकिन सामान्यतः नहीं किया जाता। मतलब जनरली आप सम का यूज नेगेटिव या इंटरोगेटिव में नहीं करते, लेकिन जब आप इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप किसी रिक्वेस्ट करो या कमांड करो, कमांड या रिक्वेस्ट के संदर्भ में आप इसमें कर सकते हैं। सम के साथ रिक्वेस्ट का अर्थ मतलब सामान्य रूप से ऐसी चीज जो मान ली जाए। मतलब जब आप सम में जब कभी रिक्वेस्ट करोगे सम का यूज करके, तो मतलब ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं जो सामान्यतः मान ली जाती है, मतलब मान ली जाती है। कुछ सेंटेंस देखते हैं इसके, जैसे आई शैल बाय सम बुक्स, आई शैल बाय सम बुक्स, आई शैल बाय सम बुक्स, ये काउंटेबल है, मतलब मुझे कुछ बुक्स परचेज करनी चाहिए। आई शैल बाय सम, वो आपको मैं बता देता हूँ। शैल का यूज आप चाहें तो ट्रेडिशनल इंग्लिश के हिसाब से कर सकते हैं, वरना आप इसमें विल का यूज करेंगे। जैसे आई विल बाय सम बुक्स, आई विल बाय सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें खरीदी, मैं कुछ किताबें खरीदूंगा। आई विल बाय सम बुक्स, मैं कुछ किताबें खरीदूंगा, ये आपका काउंटेबल में आता है। दे हैव परचेज्ड सम फ्रूट्स, दे हैव परचेज्ड सम फ्रूट्स, दे हैव परचेज सम फ्रूट्स में क्या होगा, इसमें आप अनकाउंटेबल फ्रूट्स काउंट नहीं कर सकते, तो दे हैव परचेज सम फ्रूट्स, ये आपका अनकाउंटेबल हो गया। विल यू गिव मी सम मिल्क, विल यू गिव मी सम मिल्क, इसमें आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये ऑब्वियसली बात है सामने वाला भैया आपको दे ही देगा ना मिल्क। विल यू गिव मी सम मिल्क, या आप चाहे तो आप किस जैसे किसी पड़ोसी से कह सकते हैं विल यू गिव मी सम मिल्क, तो इसमें आप उसमें रिक्वेस्ट करें तो वो सामने वाला मान ही लेगा, पड़ोसी मना नहीं करते। तो ठीक है, इससे आपका यूज ऑफ सम होता है फिनिश। अब आपका था यूज ऑफ एनी। एनी का प्रयोग आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए किया जाता है। ध्यान से सुनिए, सम का यूज अफर्मेटिव में करते हैं, मतलब सिंपल साधारण वाक्यों में करते हैं, लेकिन जो आपका एनी होता है एनी का यूज कहाँ करते हैं, आपका नेगेटिव में या फिर इंटरोगेटिव में यूज करते हैं। आया आप समझ में? और आपका एनी का यूज होता है वो काउंटेबल्स के लिए, अनकाउंटेबल्स दोनों के लिए कर सकते हैं। इसके लिए काउंटेबल में भी हो सकता है और अनकाउंटेबल में हो सकता है। जैसे आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे आई डोंट हैव एनी पेन, मेरे पास पेन नहीं है। आई डोंट हैव एनी पेन, आई डोंट हैव एनी पेन, मेरे पास पेन नहीं है। ही हैजंट परचेज एनी फ्रूट्स, या आई हैवंट परचेज एनी फ्रूट्स। अब जैसे इंटरोगेटिव माने हैव यू एनी नॉवेल, जैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्या आपके पास कोई नॉवेल है, हैव यू एनी नॉवेल, तो इसमें आपका आएगा एनी, मीन्स आपका इसमें इंटरोगेटिव है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एनी। अब आपका आता है डिड एनीवन कम हियर, डिड एनीवन कम हियर, या डिड एनीवन कम हियर, क्या यहाँ पे कोई आया था या आएगा, तो डिड एनीवन कम हियर, तो इसमें आपका इंटरोगेटिव है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एनी। सो वी हैव टू यूज सम इन अफर्मेटिव सेंटेंस, बट इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव वी हैव टू यूज एनी। वी कैन यूज सम और एनी विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन ऑल्सो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये बहुत सिंपल होता है सम एनी, बट थोड़ा डिफरेंस क्या है आपको जो समझ आई दिया, तो होप यू गाइस आप ये समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जो भी आप समझें प्लीज कमेंट में लिखें, और लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।